बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बॉयज़ एंड गर्ल्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे। एंड टुडे वी विल स्टार्ट यूनिट नंबर 4, हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। हमने अपने फर्स्ट 3 चैप्टर्स सक्सेसफुली जो है वो कंप्लीट किए हैं। उसमें वॉइसिस का जो एक क्वेश्चन है वो इंशाल्लाह जब मैं आपको इंग्लिश बी का लेक्चर दूँगी वॉइसिस में, तो उसके बाद हम उसको सॉल्व करेंगे। अब हम यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा, पैराग्राफ नंबर 1। द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिज क्लोज कंपेनियन, क्लोज मीन बहुत करीबी, कंपेनियन साथी, हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हो migrated from Makkah to Medina in the year 622 AD. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके करीबी साथी हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मक्का से मदीना की तरफ 622 ईस्वी में हिजरत की, या हिजरत फरमाई, migrated, हिजरत करना। When the chiefs of various tribes कबीले, वेरियस मुख्तलिफ, कई, चीफ्स सरदार, व्हेन द चीफ्स ऑफ वेरियस ट्राइब्स ऑफ मक्का केम टू नो, जब मक्का के मुख्तलिफ कबाइल के जो सरदार थे उनको इस बारे में पता चला, अबाउट किसके बारे में, द माइग्रेशन ऑफ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हिजरत किसकी हिजरत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिज क्लोज कंपेनियन, उनके करीबी जो दोस्त हैं हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, दे गॉट फूरियस, तो वो गज़बनाक हो गए, बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए, जब मक्का के मुख्तलिफ कबाइल के सरदारों को आप और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी साथी हज़रत अबू बकर सदीक़ की हिजरत के बारे में मालूम हुआ या उन्होंने जाना, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए। द चीफ्स वर डिटर्मिंड, पुख्ता अज़्म कर लेना, मोर देन एवर टू फाइंड देम आउट, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करने में बहुत ज़्यादा पुख्ता अज़्म जो है वो कर लिया। दे ऑफर्ड ह्यूज, बहुत बड़े रिवार्ड्स, तोहफे तोहफ एंड बाउंटीज, अतियात, फॉर द कैप्चर डेड और अलाइव, नऊज़ बिल्ला, उन्होंने आपको मुर्दा या जिंदा जो है वो पकड़ने के लिए बहुत ज़्यादा इनाम और अतियात की जो है वो पेशकश की। पैराग्राफ नंबर 2। द प्रिपरेशन फॉर दिस जर्नी वॉज मेड एट द हाउस ऑफ हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। इस सफ़र की तैयारी, प्रिपरेशन मीन तैयारी, जर्नी सफ़र, इस सफ़र की तैयारी जो है वो हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के घर में की गई थी। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रेंडर्ड यूज़फुल, रेंडर्ड मीन सरंजाम देना, यूज़फुल मीन मुफीद सर्विसेज, खिदमात। इन दिस रिगार्ड हज़रत अस्मा ने रेंडर्ड यूज़फुल सर्विसेज, इन दिस रिगार्ड के हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इस सिलसिले में काबिले कदर खिदमात जो हैं वो सारे अंजाम दी। शी प्रिपेयर्ड फूड फॉर दिस जर्नी, उन्होंने इस सफ़र के लिए खाना तैयार किया। She tied the food on the camel back with her own belt as nothing else could be found, कि जब हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा को कुछ ना मिला तो उन्होंने अपने बेल्ट के साथ या कमरबंद, आप कह सकते हैं इसको, कोई अपना रुमाल या दुपट्टा, उसमें खाना बांधकर जो ऊँट है उसकी कमर के साथ जो है वो बांध दिया, उसके पीछे बांध दिया। फॉर दिस सर्विस शी वॉज गिवन द टाइटल ऑफ ज़ातुन नातकैन बाय द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस खिदमत पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें ज़ातुन नातकैन के लक़्ब जो है वो अता फरमाया। पैराग्राफ नंबर 3। ड्यूरिंग द पेरिलस जर्नी, पेरिलस मीन खतरनाक, जर्नी मीन सफ़र, ड्यूरिंग द पेरिलस जर्नी, इस खतरनाक सफ़र के दौरान, इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट, ये बहुत मुश्किल था फॉर एनी वन, किसी के लिए भी, टू सप्लाई फूड टू हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक खाना पहुँचाना किसी के लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल था। द सिचुएशन वॉज सो डेलीकेट, ये इतनी नाजुक सूरत हाल थी,
सिचुएशन मीन सूरत हाल, डेलिकेट मीन नाजुक, दैट द स्लाइटेस्ट मिस्टेक के हल्की सी भी जो गलती है कुड हैव एंडेंजर्ड द लाइफ ऑफ द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एंडेंजर मीन खतरे में डाल देना, कि छोटी सी जो गलती है वो उससे आप सल्लम की जिंदगी को खतरा हो सकता था। दिस ग्रैंड टास्क वॉज नाइसली अंडरटेकन बाई हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा, द डॉटर ऑफ अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हु, ग्रैंड अजीम। इस कठिन काम को अंजाम देते हुए उन्होंने जो है वो ये अजीम काम जो है अबू बकर सदीक की बेटी हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा के हाथों उम्दगी से अंजाम जो है वो पाया। Every night, हर रात, with a pack of food, she would quietly venture towards the rugged mountains in which lay the cave of Thor. हर रात हज़रत अस्मा खाना लपेटकर, every night, हर रात, with a pack of food, खाना लपेट कर, शी वुड क्वाइटली वेंचर टूवर्ड्स, कि हर रात अस्मा खाना लपेट कर खामोशी से इन संगलाख पहाड़ों की तरफ रवाना हो जाती, टूवर्ड्स की तरफ, रग्ड माउंटेन, इन संगलाख जो पहाड़ हैं उनकी तरफ रवाना हो जाती, जिनमें गारेसोर वाक्या था, इन विच ले द केव ऑफ थॉर, जिनमें गारेसोर वाक्या था। शी टुक केयर ऑफ द मिन्यूट डिटेल्स इन अकम्पलिशिंग द टास्क, इस कठिन काम को अंजाम देते हुए उन्होंने मामूली से मामूली बात का ध्यान रखा। हाउ डिफिकल्ट इट मस्ट हैव बीन फॉर हर टू ट्रेवर्स मीन अबूर करना द रॉकी पाथ एट नाइट विद द कॉन्स्टेंट फियर ऑफ बीइंग डिटेक्टेड, ताकुब किए जाने के मुस्तकिल खौफ की फ़िज़ा में। आप ये देख सकते हैं कि उस टाइम कितनी डेलिकेट सिचुएशन होगी और कितना खौफ का आलम होगा, लेकिन हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा ने जो है वो अपनी हिम्मत जो है वो डिटर्मेंट रही अपने काम में और अपनी हिम्मत जो है उसे नहीं छोड़ा। तो क्या है कि ताकुब किए जाने के मुस्तकिल खौफ की फ़िज़ा में इनके लिए रात के वक्त सुंगलाख पहाड़ या सुंगलाख रास्तों पर चलना, पथरीले रास्तों पर चलना किस कदर मुश्किल होगा।